गाल थले माच समझना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेक्नो मोबाइल B1F, यहाँ पे आपको मॉडल नज़र आ रहा होगा बैक साइड से, तो इसका अगर FRP लग जाए तो आपने किस तरह बायपास करना है। दोस्तों बगैर कंप्यूटर के ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप कंप्यूटर के बगैर इसको बायपास करना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरा लिंक मिल जाएगा, आप वो वाली वीडियो देख के अपना मोबाइल बगैर कंप्यूटर के इसको बायपास कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं करूँगा कंप्यूटर के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको चेक करवा दूं कि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे स्किप का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, बल्कि यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करने को कह रहा है मोबाइल, तो हमने वाईफाई कनेक्ट नहीं करना। तो अब हम इसको कंप्यूटर पे ना FRP को ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाए। और दोस्तों अगर आप फेसबुक से ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक का ऑफिशियल पेज भी है AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन के नाम से, आप इसको भी लाइक करके फॉलो कर लें। तो अभी दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सब्सक्राइब और लाइक कर लिया होगा। इसके बाद हम इसको बायपास कैसे करेंगे, दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, ये मेरेकल का क्रैक है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक होती है DA फाइल, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिलेगा। ये मैंने इसका जो डिवाइस मैनेजर है वो भी ऑन कर लिया इस वजह से ताकि आपको नज़र आता रहे। और उसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है, यहाँ पे ये फॉर्मेट पे जाना है और यहाँ पे हमने ये टेक्नो का कोई भी एक आप नाम सर्च कर लें या फिर यहाँ पे इसको आप यूनिवर्सल भी रहने दें तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद 8 नंबर वाली आपने बूट सेलेक्ट कर लेनी है, फॉर्मेट पे यहाँ पे हो गया। उसके बाद कस्टम सेटिंग में जाके DA फाइल देनी है। दोस्तों DA फाइल मैं बता रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, मैंने डेस्कटॉप पे रखी हुई है तो ये इसको मैंने DA फाइल दे दी, ठीक है। इसको यहाँ पे चेक भी लगाना है, अगर ये चेक नहीं लगाएंगे तो फिर काम नहीं होगा। अब स्टार्ट का बटन दबाने से पहले यहाँ पे अनचेक करना है और एडवांस FRP पे हमने क्लिक करनी है और स्टार्ट का बटन दबा देना है। तो अब दोस्तों मोबाइल को हम कर लेंगे पावर ऑफ, तो यहाँ पे अगर ये जो आपको यस और नो कह रहा है आपने इसको नो कर देना है, नो से आप कंटिन्यू कर लेंगे। अगर यस करेंगे तो ये फाइल रीड करना शुरू कर देगा, हमने नो पे क्लिक करनी है। तो अब दोस्तों वेटिंग फॉर USB जब आ जाए तो आपने मोबाइल कनेक्ट करना है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही मोबाइल कनेक्ट किया है तो इसने हमें ये कुछ लिख के सामने दिखा दिया है FRP यूज़र डाटा। तो दोस्तों हमने FRP रिमूव करना है, यहाँ पे सिंपल आप ओके पे क्लिक कर दें। दोस्तों इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मुकम्मल फॉर्मेटिंग हो चुकी है। अगर आपके मोबाइल को कोई कोड लगा हुआ है दोस्तों, पैटर्न पासवर्ड वगैरह, वो भी इसी तरीका से ही खुल जाएगा। तो वो ऑलरेडी ज़ाहिर है आप हार्ड रीसेट कर चुके होंगे। अब ये मोबाइल ऑन नहीं होगा, आप पावर बटन बेशक दबाए रखें क्योंकि इसको रीसेट किया है। तो अब हमें इसमें से बैटरी एक दफ़ा निकाल के, तो यहाँ पे भी आपको मॉडल मैं दिखा देता हूँ, ये 16 GB वाला मोबाइल है, तो बैटरी फिर से आपको लगानी पड़ेगी एक दफ़ा। तो फिर इसको जब आप ऑन करेंगे तो मोबाइल ऑन हो जाएगा। Thank you.
Thank you.